तो बीजेपी अब इस पूरे मुद्दे पर दो दो हाथ के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पर क्या पलटवार करती हैं। अब रुख कर लेते हैं यूपी का। यूपी के संभल में गंगा नदी में नहाते समय छह बच्चों के डूबने की खबर है। इस बीच गंगा में डूब रहे छह में पांच बच्चों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया, जबकि एक बच्चे की तलाश अभी जारी है। घटना संभल के असदपुर इलाके की है। घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक छह बच्चे गंगा नदी में नहा रहे थे कि तभी बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। इसके बाद बच्चों को डूबता देख लोगों ने हंगामा किया, उन्हें बचाने की कोशिश की। इस दौरान पांच बच्चों को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन अभी तक एक बच्चे का कुछ पता नहीं है। इसकी तलाश अभी की जा रही है। परिवार के लोग चिंतित हैं, रो रोकर बुरा हाल है। बच्चे को अभी तक ढूंढा नहीं गया है। हालांकि गोताखोरों की टीम लगाई गई है जो कि अभी गंगा नदी में इस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये कुल छह बच्चे बताए जा रहे थे जो कि नहाने के लिए गए, धीरे धीरे गहरे पानी में उतर गए और जब ये सभी बच्चे डूबने लगे तो आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास किया। पांच बच्चों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक बच्चा अभी लापता है। यूपी के संभल में यह हादसा हुआ है, जहां ये छह बच्चे गर्मी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन ये हादसा हो जाएगा ये किसी को खबर नहीं थी। और अब एक बच्चे को बचाने की कोशिश यहां गोताखोर कर रहे हैं। और सद्दाम हुसैन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। सद्दाम, क्या अभी तक कुछ अपडेट मिल पाया है? क्या बच्चे को अभी तक ढूंढा गया? जी, मैं आपको बताऊं, जो गोताखोरों की जो टीम है, रेस्क्यू टीम, वो मौके पर पहुंच गई है। और ये जो पूरी घटना है, ये असदपुर एक गांव पड़ता है गुन्नौर कोतवाली में, वहाँ गंगा घाट का ये पूरा प्रकरण है जी। और इसी तहसील क्षेत्र के ये बच्चे थे और एक मुंडन संस्कार का प्रोग्राम था, उसमें ये शामिल होने आए थे। और गर्मी ज्यादा होने के कारण ये गंगा के अंदर नहाने लगे जी। और पहले एक साथ ही डूबता है, फिर दूसरा डूबने लगता है। उसको बचाने के चक्कर में छह के छह जो बच्चे थे वो इसमें डूब जाते हैं। और एक बच्ची भी थी जो फिलहाल लापता है, उसकी तलाश वहां पर की जा रही है। और वहां पर जो के उपजिलाधिकारी हैं ओमबी जी, वो वहाँ मौजूद है। सीओ जो कि गुन्नौर है, वो वहाँ पर मौजूद है। गोताखोरों की टीमों को वहाँ बुलाया गया है और जो नाव है, नाव के द्वारा उनको तलाशने का, जो एक बच्चा लापता है, बच्ची, उसकी तलाश वहाँ पर की जा रही है। और जो पांच जो अन्य बच्चे थे जिनको गोताखोरों की मदद से उनको निकाला गया है, वो साकुशल उनको बाहर निकाल लिया गया है। और जो की उनको भी उपचार के लिए भर्ती कराया है। उसकी क्या उम्र बताई गई? लगभग 10 से 11 साल उम्र है जो बच्ची लापता है, जिसकी तलाश वहाँ पर की जा रही है। और गोताखोरों की टीम आ गई है। अब पूरा प्रयास करने का कोशिश की जा रही है कि उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी समय हो गया, लगभग 4 से 5 घंटे का समय हो चुका है उनको डूबे हुए, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं, जो उनको सही सलामत निकाल लिया गया है, उनको तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पर जो बच्ची जो लापता है, तो अब उसकी जो के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उसका शव वहां पर मिल जाए, तो काफी देर हो चुकी है, उसकी शव नहीं मिला है। और फिलहाल इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही सामने आई है कि जिस तरीके से लगातार गंगा घाट पर इस तरीके से हादसे हो रहे हैं, तो चेताने के लिए वहां पर कोई भी इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम वहां पर नहीं किए गए हैं जी। और सद्दाम, ये जो बच्चे थे जो डूब रहे थे, इनके परिजनों से बात हुई, इन बच्चों को तैरना नहीं आता था, क्या परिजनों के बारे को क्या उन्हें ये जानकारी थी कि ये बच्चे नहाने जा रहे हैं नदी में? नहीं, एक जो कि मुंडन संस्कार का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में सभी परिवार के 30 से 40 लोग वहां पर आए थे, वाहन से सभी लोग वहां पर। और जिस समय वहां प्रोग्राम चल रहा था, तभी ये बच्चे वहां पर नहाने लगते हैं, क्योंकि गंगा का तट होता है वहां पर, बहुत से श्रद्धालु वहां पर नहा रहे होते हैं। और तभी एक बच्चा इसमें से गहराई की तरफ चले जाता है, दूसरा फिर उसके साथ चला जाता है, और वहीं इस तरीके से एक चेन बन जाती है, और चेन में एक एक कर ये वहां पर दलदल में फंसते चले जाते हैं। पर शुक्रों वहां पर कुछ स्थानीय लोग वहां मौजूद थे, एक दो गोताखोर भी वहां पर मौजूद थे, जिनके मदद से उन पांच बच्चों को वापस निकाला गया उस गंगा से। पर एक जो बच्ची थी जिसकी उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है, वो वहां पर उसको नहीं निकाल पाए, ढूंढ नहीं पाए उसको। उसकी तलाश के लिए फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और जल्द ही उसकी तलाश की बात वहां पर की जा रही है जी। सद्दाम, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यूपी के संभल का मामला है, फिलहाल इस बच्ची को